देखिए परवल भरा हुआ बन के तैयार हो गया है। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे आप सब। मैं मिक्की स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम के लिविंग लाइफ में। और आज परवल का भरा हुआ बना रही हूँ। तो देखिए 250 ग्राम परवल ली हूँ और 250 ग्राम प्याज ली हूँ, 4-5 प्याज ली हूँ और 7-8 परवल ली हूँ। और इसको धो के ठीक से, दोनों को धो के छील के, प्याज को धो के, फिर प्याज को 10-15 मिनट पानी में रख देने के बाद उसका तीखापन खत्म हो जाएगा। तो बस दोनों को धो के, देखिए परवल को काट रही हूँ, उसका छिलका बीच से जो दाना है वो निकाल देना है, क्योंकि मसाला बना के फिर उसी में डालना है, इसलिए किसी बर्तन में रख रही हूँ। देखिए आराम से बीच में काटना है, उसको दोनों साइड से अलग नहीं करना है, चीरा लगा के उसको देखिए दाना निकाल के किसी बर्तन में रख रही हूँ, क्योंकि इसको फेंक नहीं देना है, रखना है, मसाला बनाएंगे इसी से। और देखिए प्याज जो है कि कभी कभी काटते समय बहुत ज़्यादा आंसू बहता है, क्योंकि वह बहुत तीखा लगता है। तो इसके लिए आप 10-15 मिनट उसको पानी में रख दीजिए, पानी में या फ्रिज में छील के, तो देखिए बहुत आसानी से कट जाएगा और आपको आँखों से एक बूंद आंसू भी नहीं बहेगी। तो देखिए प्याज को काटना है बारीकी से, ये नहीं कि सब्जी की तरह काट दिए, उसको बारीक बारीक काटना है। भरा हुआ का यही काटने का ध्यान है कि इसी तरह आप काटें तो जल्दी से यह प्याज फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह से। तो चलिए प्याज कट गया है और परवल भी निकाल दिया, उसका छिलका तैयार है। तो दोनों को लेके चलते हैं। इसमें बीच मसाला क्या डालना है, गोलकी, 1 चम्मच गोलकी जीरा ले हैं हम, और उसको पहले पीस लेना है, आप मिक्सी में पीसे या सिलवटे में, और उसके बाद उसके दाने को जो है कि हल्का सा एक बार मिक्सर चलाइएगा, थोड़ा सा दरदरा ही रहे तो अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं प्याज काट ली हूँ, परवल का ही निकाल के अब चलते हैं मसाले की ओर। तो देखिए 1 चम्मच जीरा गोलकी लिए हैं, और वो जो निकाले हैं परवल का जो दाना वो भी जार में डाल रहे हैं। तो पहले परवल का ही डाल दिए थे, उसको नहीं डालना है, पहले जीरा गोलकी डाल लेते हैं। इसको ठीक से इसको पतला करके पीसना है, इसीलिए उसको निकाल के रख दिए, और इसको पहले पीस लेते हैं। पीसने के बाद उसको डालेंगे और एक बार ही चलाएंगे, 1-2 बार हल्का सा, 1 सेकंड के लिए तो दरदरा पिसा जाता है। कढ़ाई गर्म हो गया मेरा, यहाँ कढ़ाई गर्म होने दे दिए हैं। जब तक कढ़ाई गर्म होता है, जब तक परवल कढ़ाई में नहीं डालता है, तब तक गैस जो है हाई फ्लेम पर रखें। उसके बाद जो पकाना है तो इसको मीडियम आंच में ही पकाना है। तो मैं देखिए मसाला सिर्फ फ्राई करना है, तो 1-1.5 चम्मच तेल डाली हूँ, ज़्यादा तेल खाना भी अच्छा नहीं है, और इतने में पक जाएगा आराम से, अच्छा से पक जाएगा। कढ़ाई गर्म हो गया है और इसमें हम पचफोरन डाल दिए हैं। उसके बाद पहले इसमें प्याज डालेंगे, उसके बाद जो पीस के जो मसाले रखे हैं, जब प्याज आधा फ्राई हो जाए, वो ब्राउन कलर का हो जाए, तब उस मसाले को डालेंगे। तो देखिए 1 लाल मिर्च डाल दिए हैं, डाल भी सकते हैं नहीं भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये डालिएगा तो अच्छा सोना सोना अच्छा लगता है, उसका टेस्ट खुशबू। कढ़ाई गर्म हो गया है जी, पंचफोरन और मिर्च डाल दिए हैं। अब पहले प्याज डाल देती हूँ, कटा काट के जो रखी हूँ प्याज को, उसको फिर से धोना नहीं है। तो चलिए डाल रही हूँ, और 1-2 बार चलाने के बाद इसमें आप नमक डालिए,
आप सब भी बनाइएगा। और क्या होता है कि कभी कभी इसमें ज़्यादा है कि नमक और हल्का तीखापन डालिए तो अच्छा लगता है वरुआ खाने में। जैसे आप सबका खाने का अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन इसमें मीठा नमक नहीं, नमक ठीक ठाक ही डालिए तो खाने में अच्छा लगेगा। एक चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, एक से डेढ़ चम्मच, एक चम्मच में नहीं हुआ फिर आधा चम्मच में फिर उससे डाला है हल्दी। यहाँ ये नहीं कि मसाले में बहुत ज़्यादा तेल डाल देंगे तो बहुत स्वाद बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं है। मसाले में भुगाने तक ही उसमें तेल डालिए तो ठीक से वो फ्राई हो जाए कढ़ाई में ना लटके, बस उतने तक आराम से ये फ्राई हो जाएगा। और इसमें दो चार से मिनट के लिए आप ढक दीजिए, बीच बीच में आप इसको देखते रहिए। तो ढक दिए हैं तो इसको चला दिए, ऐसे करके 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट में ये मसाला तैयार हो जाएगा। मैंने 3-4 बार ये चलाया है मसाला, देखिए क्या हो गया, वो आधा हो गया है मसाले जो था भुगा के। देखिए कढ़ाई में भी नहीं चिपक रहा है, तेल एकदम परफेक्ट है। और ऐसे ही 5-6 बार आप चलाए, अभी मीडियम आंच में ही इसको पकाना है, तेज आंच में आप नहीं पका सकते, मीडियम आंच में ही पकाइए। अब इसमें मतलब ब्राउन हो गया है प्याज, तो मसाला जो पीस के रखे थे उसको डाल रहे हैं, गोलकी और इसका परवल का दाने का जो पीस को हम रखे थे दरदरा करके उसको डाल दिए। पानी नहीं डालना है इसमें, आप इसी तरह पीसिए, दरदरा हो जाएगा बस। इन्हें पानी मसाला की तरह पानी डाल के पीसे हैं। इसको डालने के बाद अब और 2-4 मिनट उसको भूनना होगा। अब यहाँ आप धनिया मिर्चा ये सब डाल सकते हैं, तो चलिए मैं भी मसाले डाल देती हूँ। या पहले बहुत ज़्यादा पहले नहीं डालें क्योंकि वह जलने लगेगा तो दिक्कत होगा। ये धनिया पाउडर, ये मसाला है तो 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। और थोड़ी सी बाद में डालेंगे परवल के ऊपर में, तो मैं धनिया डालती हूँ। और गोलकी तो पहले डाली हुई थी, अब लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं या हरा मिर्च आप काट के लिए हुए हैं तो इसको स्किप कर दीजिए लाल मिर्च को। मैंने हरा मिर्च नहीं डाला था इसलिए लाल मिर्च डाल रहे हैं 1 चम्मच, बस इतना ही डालना है। फिर मसाले का कलर कितना अच्छा हो गया है। इसको फिर 1-2 मिनट के लिए और ढक सकते हैं मीडियम आंच में ही, इसको पका लीजिए ठीक से। क्योंकि मसाला डाल दिए हैं तो इसको जल्दी जल्दी चलाना होगा, इसलिए ढक के बहुत ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते हैं। तो एक बार ढक दीजिए मसाला ठीक से पक जाएगा, इसलिए 2 मिनट के लिए ढकी हूँ, मीडियम आंच में ही ढकी हूँ। तो
मसाला भुगा गया है, बहुत अच्छा कलर आ गया है इसका। तो मसाला तैयार है परवल में भरने के लिए। अब इसको ढक्कन उघार के, ताकि ढक्कन निकाल के इसको एक मिनट के लिए चला लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो भी पानी है गीला हल्का सा लग रहा है वो फ्राई हो जाएगा, ड्राई ड्राई हो जाएगा सूखा हुआ। तो मसाले तैयार हो गया है और इसमें परवल में भर रही हूँ। यहाँ मैं मसाला तैयार हो गया है बनके, तो यहाँ मैं ये डाल रही हूँ परवल में मसाला भर रही हूँ। परवल को उबालना करना कुछ नहीं है, जो काट के रखे थे उसी तरह डायरेक्ट उसी में मसाला डाल रही हूँ। एक एक करके सारे में डाल रही हूँ, इसको मसाले ठीक से भर लेती हूँ। सब मैं भर ली हूँ, उसके बाद देखिए कढ़ाई गर्म होने दे दी है। अब यहाँ लगभग 1.5 से 2 चम्मच तेल डाल दी हूँ, टी स्पून में 1.5 चम्मच होगा। और इसको अब यहाँ कढ़ाई गर्म हो गया है, तो अब यहाँ परवल भर भी लिए हैं मसाले ठीक से, अब तो यहाँ परवल डाल देंगे। कढ़ाई ठीक से गर्म होने दें तब डालें, तो वो तेल का जो तीखापन है वो भी नहीं लगेगा, और ठीक से कढ़ाई में चिपके भी चिपकेगा भी कोई मसाला नहीं, और अच्छे से फ्राई हो जाए। इसलिए कढ़ाई और तेल गर्म होने दिया है। गर्म हो गया है तो अब परवल डाल देंगे, एक एक करके सारे परवल डाल देने हैं। और उसके बाद तेल को, तेल ज़्यादा नहीं देना, तेल वही 1.5 चम्मच तेल डाली हूँ, तो उसी को चारों ओर घुमा देंगे। मैं इसको देके फ्राई, मतलब ये नहीं कि एकदम तेल में ही फ्राई करके निकाल लें, क्योंकि तेल मसाले भी ज़्यादा अच्छा नहीं। तो देखिए एक एक करके सारे परवल को डाल रही हूँ, तेल उतने हैं, और देखिएगा बहुत अच्छा से फ्राई हो जाएगा, इसका कलर एकदम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेरा परवल डला गया है सर, थोड़े से तेल को घुमा दी इसको कढ़ाई में, तेल पूरे परवल में आ गया है। अब इसमें हल्का सा नमक छिड़क दें ऊपर से, परवल के ऊपर, ताकि छिलके सब में भी आपका नमक लग जाएगा तो खाने में अच्छा लगेगा। आधा चम्मच नमक डाली हूँ इसमें, उसके बाद फिर इसमें चला देंगे छलनी। चलाने के बाद फिर हल्का हल्दी डालेंगे, एक चम्मच हल्दी डाल दी है यहाँ, क्योंकि हल्दी कलर, हल्दी डालेंगे तो कलर अच्छा आएगा। हल्दी डालने के बाद इसको ढक देंगे, 1-2 मिनट के लिए ही ढकेंगे, ढक देंगे। ढक के फिर इसको बीच बीच में अच्छा से पकने लगा है,
कलर आ गया है इसमें। इसमें सारे मसाले तो डाले हुए हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे, जो आधा पक जाएगा ना उसके बाद से हल्का ब्राउन हो जाने के बाद हल्का सा मसाला छिड़केंगे इसमें, धनिया पाउडर और लाल मिर्च भी छिड़क सकते हैं कलर के लिए। देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा हो गया है, परवल का भी। धनिया पाउडर डाल रहे हैं, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाले हैं, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर भी डाल दी हूँ आधा चम्मच, थोड़ा सा ताकि इसका कलर अच्छा लगे ऊपर की ओर से भी।